मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि यहाँ पे आपको एक प्रो टिप जो है वो मिल जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो यू नो, वेडिंग सीजन चल रहा है, वैलेंटाइंस डे आने वाले हैं, तो हम सभी जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो अपने फेस पे यू नो फेसियल करवाने की सोच रही होती है। कुछ लोग खुद से करते हैं या फिर कुछ लोग पार्लर जाके करवाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। जब भी हम पार्लर में फेशियल करवाने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें घर से निकलना पड़ता है, ठीक है। देन जब हम पार्लर पहुँचते हैं तो हमें अपने यू नो नंबर का वेट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। उसके बाद जब हमारा नंबर आता है तो घंटों, एक से डेढ़ घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि उनके स्टेप्स बहुत सारे होते हैं। उसके बाद पैसे भी अच्छे खासे जो है वो खर्च हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर बैठे खुद से फेशियल कर सकते हो एट जस्ट ₹84, गेट अ पार्लर लाइक ग्लो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। ऑल्सो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा देन प्लीज इसको लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। सो गाइस, दिस इज द प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नेचर एसेंस। नेचर एसेंस नाम से ही पूरा एक्सप्लेन हो रहा है कि ये एकदम नेचुरल। मैं जो फेशियल किट यूज कर रही हूँ दैट इज व्हाइटनिंग पर्ल फेशियल किट, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फेशियल किट के ग्लोइंग गोल्ड फेशियल किट मिल जाएगा, देन आपको ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट मिल जाएगा, उसके बाद व्हाइटनिंग पर्ल फेशियल किट मिल जाएगा, फ्लॉलेस पपाया फेशियल किट मिल जाएगा, देन आपको जेंटल फ्रूट फेशियल किट मिल जाएगा। नेचर एसेंस एक नेचुरल ब्रांड है, ठीक है। 100% वेगन है, 100% नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, दैट्स वाई मैंने इसको चूज़ करा है। उसके बाद मैंने इसको इस रीज़न से भी चूज़ करा है क्योंकि इसका प्राइस जो है वो काफ़ी कम है। अगर इसके प्राइस की, इस डब्बे की प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस ₹260 है, ठीक है। ₹260 इसके प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये 3 यूज़ पैक है। इट मीन्स कि इस डब्बे का इस्तेमाल आप 3 बार कर सकते हो। तो अगर आप कैलकुलेट कर लो तो 82 रुपीज़ पर फेशियल आपके हो गए, ठीक है। इतने कम में आपको पार्लर में फेशियल जो है वो नहीं आप करवा सकते हो 82 रुपीज़ में। उसके बाद मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि यहाँ पे आपको एक प्रो टिप जो है वो मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट है तो इसका जो प्रो टिप है वो अलग है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई और फेशियल किट इसका इस्तेमाल करोगे नेचर एसेंस का, तो उसका जो प्रो टिप है वो अलग है। तो जितने भी इसके वेरियंट है फेशियल किट के, उसके सभी के जो प्रो टिप है वो अलग अलग तरीके के हैं। ये बात जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। इससे क्या होगा ना कि आपको और अच्छे से यू नो एक नॉलेज मिल जाएगा, आपके फेस पे एक और अच्छा ग्लो मिल जाएगा अगर आप उस टिप को फॉलो करें। D10 थेरेपी ये भी आपको इसमें फ्री मिल जाता है, और ये आपको हर एक फेशियल किट के वेरिएंट में आपको फ्री मिल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, दैट्स वाई मैंने इसको। तो जब भी हम फेशियल करवाते हैं या फिर करते हैं तो हमारा फेस जो है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है। मेरे फेस पे अभी कुछ भी नहीं है, सिवाय मैंने अपने लिप्स पे लिप बाम अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं। लेकिन मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। तो पहले मैं इसको ओपन करने के बाद आपको ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये मेनली 1, 2, 3, 4 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, एंड ये है वो फ्री प्रोडक्ट्स जो आपको हर एक फेशियल किट के वेरिएंट में मिलते हैं। सबसे पहले ये D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, एंड मैंने इसके डायरेक्शंस जो है वो पढ़ लिए हैं। बेसिकली इसको आपको अपने फेस पे लगाना है, 15 मिनट तक छोड़ देना है। इसके बाद आपको वेट वाइप से या फिर कॉटन से या फिर आप कॉटन के कपड़े से या फिर एक अच्छा सा सॉफ्ट टॉवल के साथ आप इसको रिमूव अपने हैंड्स पे ले रही हूँ, एंड मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। खुशबू जो है इसकी एकदम माइल्ड है। ये D10 थेरेपी आपके फेस पे जितने भी तरीके के टैन होंगे उसको अच्छे से रिमूव कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टैन तो फेस सिर्फ गर्मियों में होता है, बट ऐसा नहीं है, सर्दियों में स्किन भी जो है वो टैन होती है। ओके गाइस, सो यू कैन सी कि मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रहने देंगे, तो टॉवल से रिमूव कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ऑलराइट, सो 15 मिनट हो चुके हैं, एंड 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का शो हो रहा है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस 15 मिनट में मैंने अपने फेस पे किसी भी तरीके का इचिंग जो है वो फील नहीं करा है। अगर ऐसा होता ना देन ट्रस्ट मी मैं इसको रिमूव कर देती और आपके सामने रिमूव करती, ठीक है। सो 15 मिनट हो चुके हैं एंड अब मैं इसको अच्छे से इस टॉवल से रिमूव करूँगी। एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि नेचर एसेंस के जितने भी फेशियल किट हैं, ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ करो, वो सारे ही इंक्लूडिंग दिस जो मैं यूज़ कर रही हूँ वाइटनिंग पर फेशियल किट, वो सारे ही ऑल स्किन टाइप्स वालों। सो गाइज मैंने टॉवल से इसको वाइप अप कर दिया है। अब आता है हमारा मेन काम, अब हमें फॉलो करने हैं वो 4 मेन स्टेप्स। सबसे जो पहला स्टेप्स है दैट इज़ क्लिंस का, यहाँ पे मेरे पास है स्टेप 1 क्लिंजिंग का। इसको बेसिकली आपको 2 मिनट तक अपने फेस पे यू नो सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, देन इसको आपको पानी से वॉश कर देना है। एज अ फेस वॉश है तो ऑब्वियसली हम इसको एज अ फेस वॉश ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये एकदम क्या बोलते हैं उसको, पर्ल जैसा ये शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एंड इसको जस्ट, ओ माय गॉड खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार। ऑल राइट, सो मैंने अपना फेस जो है वो पानी से वॉश कर दिया है एंड स्टेप 1 में ही मेरी स्किन इतनी ज़्यादा फ्रेश लग रही है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो जो है वो थोड़ा सा पहले स्टेप में ही आ गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, दैट इज़ एक्सफोलिएट, ठीक है। सो बेसिकली इसको अपने फेस पे आपको जैसे हम स्क्रब करते हैं वैसे करना है, 3 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है एंड देन इसको वॉश कर देना है, ठीक है। तो मैं अपना फेस जो है वो टॉवल से नहीं पोंछ रही हूँ क्योंकि इसी पर हमें स्क्रब करना है। सो मैं ये इतना सा ले रही हूँ एंड अब मैं इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करूँगी अपने फेस को। इसकी खुशबू कुछ अजीब है, माइल्ड सी खुशबू है, बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, बट तब क्या करता है वो हम सभी को पता है, हमारे फेस के जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको रिमूव करता है अच्छे से। सो 3 मिनट तक आपको इसको अपने फेस पर स्क्रब करना है जेंटली। ये आपके जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे जो हमारे नोज़ के अराउंड हमारे नोज़ पे होते हैं वो सबको अच्छे से ये रिमूव करता है। ऑल राइट गाइज, तो मैंने अपना 2nd स्टेप भी फॉलो कर लिया है एंड यू कैन सी द ग्लो। क्या लगता है आपको, मुझे तो दिख रहा है ग्लो। अब यहाँ पे हम इसको पहले टॉवल से पैट ड्राई करेंगे, देन हम अपने 3rd स्टेप की तरफ अब हम फॉलो करेंगे अपना स्टेप 3, दैट इज़ लाइट एंड वाइटनिंग पर्ल क्रीम। सो बेसिकली इसको अपने फेस पे आपको 10 मिनट तक अपवर्ड सेक्शन में मसाज करना है एंड इसको अपने स्किन में ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ देना है। लाइक जब आप जो 10 मिनट मसाज करोगे ना उतने में ही आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा एंड इसको आपको फिर पानी से वॉश नहीं करना है। सो मैं कुछ इतना सा ले रही हूँ एंड इससे क्या करूँगी ना 10 मिनट तक अपने फेस पे मैं मसाज करूँगी। ऑल राइट, सो मैंने स्टेप 3 भी जो है वो अच्छे से फॉलो कर लिया है, अच्छे से मसाजिंग क्रीम से मसाज कर दिया है। इसको वॉश नहीं करना है, इसी पे हमें फॉलो करना है अपना स्टेप 4 जो कि है पॉलिश वाइटनिंग पर्ल ग्लो पैक, ठीक है। सो इसको अपने फेस पे लगाना है जैसे हम नॉर्मली फेस पैक लगाते हैं, देन उसको 15 मिनट के लिए अपने फेस पे छोड़ देना है, ठीक है। सो पहले हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, और भी कुछ लिखा हुआ है क्या, तो पहले हम इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। ओके गाइस, सो मैंने इस फेशियल किट का लास्ट स्टेप भी जो है वो फॉलो कर लिया है, फेस पैक को अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे 15 मिनट। थोड़ा सा यू नो हल्का सा बर्न कर रहा है, जैसे हम हिमालय का फेस पैक यूज़ करते हैं नीम वाला,
कैसे वो थोड़ा थोड़ा सा हमारे फेस पे हल्का सा बर्न करता है, बिल्कुल वैसे ही ये थोड़ा सा बर्न। ओके गाइस, 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम मैं इसको वॉश करूँगी, ठीक है। लेकिन 15 वॉश करने से पहले हम करेंगे वो प्रो टिप फॉलो जो कि इस पैकेट में मेंशन किया गया है। मैंने आपको प्रो टिप के बारे में बताया था, ठीक है। वो प्रो टिप हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि एक टॉवल को गर्म पानी में डिप करना है, देन उसके पानी को निचोड़ लेना है एंड उसको इसी स्टेज पे, ठीक है, इसको वाइप अप करने से पहले एक मिनट तक उस टॉवल को अपने फेस पे रखना है एंड देन इसको वाइप ऑफ कर लेना है, ठीक है। ऑल्सो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो जलन की बात कर रही थी इस पे फेस पैक को अप्लाई करने के टाइम पे कि हल्का सा बर्न हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने इसको अप्लाई किया उसके कुछ सेकंड तक ये बर्न हुआ, एकदम माइल्ड सा बर्न हुआ, ठीक है। देन उसके बाद ये मुझे एकदम ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था, ठीक है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ जो कि इस पैकेट में मेंशन किया गया है कि इस फेस पैक को हमें कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है। जैसे नॉर्मली हम फेस पैक यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से ड्राई होने देते हैं देन हम उसको वॉश करते हैं, इस फेस पैक के साथ ऐसा नहीं करना है। कम्प्लीटली ड्राई होने से पहले आपको इसको वॉश कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो प्रो टिप फॉलो कर रही हूँ। सो दिस इज़ द टॉवल जिसको मैं गर्म पानी में डिप करने वाली हूँ एंड देन मैं उसको अपने फेस पे, ये मेरा गर्म पानी का टॉवल जो है रेडी है, मैं इसको अपने फेस पे रखूँगी और एक मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ओके गाइस, एक मिनट हो चुके हैं, मैंने इस टॉवल को हटा लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसी टॉवल से मैं इसको पहले वाइप अप कर लूँगी देन मैं इसको पानी से वॉश कर दूँगी। सो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप ये पर्ल वाला यूज़ कर रहे हो तो, या फिर अगर आप कोई दूसरा नेचर एसेंस का फेशियल किट यूज़ कर रहे हो तो जो भी उसमें प्रो टिप मेंशन किया हुआ है उसको आप ज़रूर फॉलो करें, उससे आपको और अच्छा फेशियल का ग्लो जो है वो मिलेगा। ऑलराइट, सो फेशियल एट होम मैंने कर लिया है, सब कुछ मैंने आपके आंखों के सामने किया है। जो सिंपल सा 4 स्टेप्स था वो मैंने फॉलो कर लिए हैं। अब बारी आती है इसके रिव्यू की। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड सॉफ्ट सा मुझे फील हो रही है एंड रहा सवाल पर्ल लाइक ग्लो का जो कि इस प्रोडक्ट के डब्बे पे मेंशन किया हुआ है। 100% ग्लो जब भी हम कोई फेशियल करवाते हैं ना तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो 2 से 3 दिन बाद पता चलता है, हमारे फेस पे आता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत ग्लो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और आप अभी भी देख सकते हो कि मुझे फील जो है वो हो रहा है थोड़ा बहुत ग्लो एंड जो पूरे तरीके से इसका जो ग्लो है वो 2 से 3 दिन बाद पता चलेगा। सो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस प्रोडक्ट को। सो गाइज, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस प्रोडक्ट के आप लोगों को सब कुछ जो है वो शेयर कर दिया है, यूज़ करके भी दिखा दिया है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट अगर जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करके एंड मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप भी अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो, अपना पैसा बचाना चाहते हो एंड पार्लर लाइक ग्लो भी आपको अपने फेस पे चाहिए, नेचुरल ग्लो, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर यूज़ करो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है एंड कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% वेगन है, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं फील होगा। तो एक ट्रायल तो आपको ज़रूर लेना चाहिए एंड जैसे कि मैंने कहा कि बहुत महंगा नहीं है तो एक ट्रायल लेने में क्या जाता है, ठीक है। तो आप एक ट्रायल इस प्रोडक्ट का ज़रूर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, लिंक पे क्लिक करो एंड फटाफट से इसको परचेस कर लो एंड पार्लर लाइक ग्लो पा लो। तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे एंड आप मेरे चैनल के साथ अपडेटेड रहो। एंड वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हेल्पफुल रही या नहीं रही, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया या नहीं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।